हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग और सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको टंकी और मोटर का फिटिंग कैसे होता है वो बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि मोटर का और गीजर का जो सप्लाई बाथरूम में अलग से जो फिटिंग होती है, जिसकी पाइपलाइन अलग से लगती है, तो कैसे उसकी फिटिंग होती है। वीडियो पूरा जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ये जो दो लाइन है, एक हमारा टंकी की लाइन है और एक हमारा मोटर का लाइन है। दोनों पाइपलाइन में हमने यूनियन डाला हुआ है, ताकि जब भी हमको टंकी को अलग करना हो तो टंकी आराम से खोल के अलग किया जा सके। ऐसा टंकी जब भी फिटिंग करें तो यूनियन जरूर दें, ताकि जब भी टंकी को अलग करना हो या साफ़ सफाई करना हो तो टंकी को आराम से खोला जा सके। यह हमारा वाल है, जिससे पानी की सप्लाई अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ती है बंद करने के लिए, उसके लिए ये देख लीजिए, ऐसा हमने पाइप फिटिंग किया हुआ है टंकी का। ये दोनों पाइपलाइन हमारी 1 इंच की है और 2 बाथरूम में गया हुआ है ये 1 इंच की सप्लाई। ये दोनों पाइपलाइन सीधे नीचे तक चला गया है, और यहाँ पे हमने 2 टोटी दिया हुआ है, और एक मोटर का कनेक्शन है और एक टंकी का कनेक्शन है। ये 2 टोटी लगा हुआ है मोटर के लिए, और टंकी के लिए हमको यहाँ पे 2 अलग अलग टोटी लगाना है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े मोटर से या टंकी से, दोनों में से और किसी से पानी की आवश्यकता हो तो उसमें लिया जा सके। ये हमारा सेकेंड फ्लोर है, जिसमें हमारा ये सप्लाई लगा हुआ है। देख लीजिए, ये जो 45 है, ये हमने जो बैंड है ये हमने 45 से बनाया हुआ है, और ये हमारा मोटर का सप्लाई है, 1.5 इंची का गया हुआ है बाथरूम में, और 1 इंची की हमारी टंकी की सप्लाई है। यहीं से हमारा ये फर्स्ट फ्लोर पे भी चला गया है, जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर भी यहीं से सप्लाई सीधे नीचे तक चला गया है, और यहाँ एक कॉर्नर वॉश बेसिन लगना है, जिसके लिए हमने ये पॉइंट दिया हुआ है, और एक ये सादा सिंपल में टोटी लगना है यहाँ पे, उसके लिए हमने एक पॉइंट दिया हुआ है। अब हम आपको बाथरूम का दिखाते हैं, बाथरूम में हमने कैसे फिटिंग किया हुआ है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये हमने फ्लश के लिए दिया हुआ है, फ्लश के लिए ये पॉइंट है, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा टोटी के लिए, जो हमारा सीट के पास इस्तेमाल होगा, ये फ्लश के लिए है और एक टोटी के लिए है। 2 हमने इसमें पॉइंट दिए हुए हैं लैटरिंग में। और हम आपको बाथरूम का दिखाते हैं, बाथरूम में ये जो 1.5 इंच की सप्लाई आप दिख रही है, ये हमारी मोटर की सप्लाई है। मोटर से हमने डायरेक्ट 1 टोटी दिया हुआ है, और ये हमने मिक्सर का पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारी टंकी की सप्लाई है, ये गर्म और ठंडे की सप्लाई है, ये हमारा शावर का पॉइंट है, और ये हमारा गीजर का पॉइंट है, जो गीजर का पाइपलाइन है, जो आउटपुट है, ये हमारा गीजर का कनेक्शन यहाँ से होगा, और यहाँ से हमारा गर्म पानी वाल मिक्सर में आएगा। इसकी हाइट हमने 35 इंची रखी हुई है फर्श से, और ये हमारा टंकी की सप्लाई है, जो गीजर में गया हुआ है। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी फिटिंग की हुई है। वाल मिक्सर का हमने पॉइंट दिया हुआ है, और एक हमने मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये हमारा गीजर का कनेक्शन है, जो 2 आपको दिख रहा है, एक 1.5 इंची का हमारा आउटलेट है गीजर का। ये हमारा 1.5 इंची की सप्लाई टॉयलेट में गया हुआ है टोटी के लिए। देख लीजिए, ये जो है हमारा शावर का कनेक्शन है। यहाँ नीचे भी हमने एक वॉल मिक्सर का पॉइंट बनाया हुआ है, ये गर्म और ठंडे पानी का कनेक्शन यहाँ से है, और ये हमारा मोटर का कनेक्शन है।
ये हम आपको टॉयलेट में दिखा रहे हैं, ये जो हमने टॉयलेट में सीट के पास एक पॉइंट दिया हुआ है टोटी के लिए, यहाँ पे ये हमारी हाइट 20 इंची है। क्योंकि ईस्ट वाले बाथरूम में टाइल्स का काम हो चुका है इसलिए हमने फ्लश का कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। ये हमारा वॉल मिक्सर और मोटर का सप्लाई का पॉइंट है। ये जो 1 इंची की लाइन देख रहे हैं ये हमारा मोटर में कनेक्ट हुआ है ऐसे। यहाँ पे हमने एक मोटर के डायरेक्ट सप्लाई के लिए दिया हुआ है वॉल कि जब भी मोटर की सप्लाई की ज़रूरत पड़े अलग से तो ये इस्तेमाल में लिया जा सके। ये हमारे टंकी की पाइप है, टंकी से जो आउटलेट आ रहा है। और एक हम यहाँ पे हमने साइड में एक टोटी दिया हुआ है टंकी से। और ये हमारा टी होके हुए वॉल मिक्सर में कनेक्शन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।